अब देखो पूजा शक्ति की बात आई है तो आपको एक बात और बताऊं। स्कंद पुराण और दूसरे ग्रंथों में बात आई है कि जिन लोगों को घर में सदैव आर्थिक परेशानी रहती हो उनके लिए आज भाद्र शुक्ल अष्टमी, आज के दिन से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी माने 8 अक्टूबर तक, आज 22 से 8 अक्टूबर तक महालक्ष्मी माता की पूजा करने का विधान बताया गया है स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में। और इस सरल विधान के अनुसार 17 दिनों में आज से लेकर 8 अक्टूबर तक नित्य प्रातः लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए ओम लक्ष्मये नमः, ओम लक्ष्मये नमः। अब ये जपने में क्या कठिनाई पड़ेगी और कौन सा खर्चा हो जाएगा आपका? पर 17 दिन 8 अक्टूबर तक ओम लक्ष्मये नमः, ओम लक्ष्मये नमः। और इस मंत्र का कितना जप करना है? 100 बार, 1000 बार, केवल 16 बार बस। क्या समय लगेगा, क्या पैसा लगेगा, क्या आपकी शक्ति खर्च होगी? नहीं, समय शक्ति खर्च नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी और पुण्य बढ़ेगा अलग। इतना ही, ओम लक्ष्मये नमः, ओम लक्ष्मये नमः। एक तो इस मंत्र का 16 बार जप करें, केवल 16 बार, और फिर लक्ष्मी माता का पूजन करते हुए एक श्लोक, छोटा सा सरल है, याद रह जाए, ऐसा है, धनम धान्यम धराम हर्म्यम, धनम धान्यम धराम हर्म्यम, धनम धान्यम धराम हर्म्यम, धनम धान्यम धराम हर्म्यम, कीर्तिम आयुर्यशः श्रियम्, कीर्तिम आयुर्यशः श्रियम्, कीर्तिम आयुर्यशः श्रियम्, कीर्तिम आयुर्यशः श्रियम्, दुर्गान् दन्तिनः पुत्रान्, दुर्गान् दन्तिनः पुत्रान्, दुर्गान् दन्तिनः पुत्रान्, दुर्गान् दन्तिनः पुत्रान्, महालक्ष्मी प्रयच्छ मे, महालक्ष्मी प्रयच्छ मे, महालक्ष्मी प्रयच्छ मे, महालक्ष्मी प्रयच्छ मे, ओम श्री महालक्ष्मये नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः। कितना सरल है, धनम धान्यम धराम हर्म्यम कीर्तिम आयुर यशः श्रियम तुरगान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे, ओम श्री महालक्ष्मये नमः। इतना ही, आज से 8 अक्टूबर तक बस।